भोपाल के अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड पाठ को लेकर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल विशेष वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए हिंदुओं पर आरोप लगाते हैं। भोपाल के अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड पाठ को लेकर कांग्रेस ने थाना प्रभारी पर कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन दिया है, जिस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि दिग्विजय सिंह एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं और उन्हें खुश करने के लिए हमेशा हिंदू धर्म पर आरोप लगाते आए हैं। दिग्विजय सिंह अगर सुंदरकांड पढ़ते होते तो वह कभी राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते और उन्हें राजगढ़ में हार का सामना नहीं करना पड़ता। देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं और उसको खुश करने के लिए वो हमेशा ही एक हिंदू समाज पर आरोप लगाते आए हैं। दिग्विजय सिंह जी अगर सुंदरकांड पढ़ते तो उनको जाकिर नायक में शांति का दूत नहीं दिखता। दिग्विजय सिंह जी अगर सुंदरकांड पढ़ते होते तो उनको निश्चित रूप से ओसामा को जी नहीं कहते वो। अगर दिग्विजय सिंह जी सुंदरकांड पढ़ते होते तो भगवान श्री राम जी के मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम नहीं करते। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।